नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धनु राशि वालों, दोस्तों चाहे मर जाना लेकिन आज रात 10 बजे आप यह काम, यूं कहें तो यह गलती भूल कर भी मत करना, वरना दोस्तों आने वाला पूरा साल आप पछताते रह जाएंगे। क्यों दोस्तों, आपको बता दें कि किस्मत का कोई ठिकाना नहीं होता, कब चमक जाए इनको कोई नहीं जानता। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आज रात 10 बजे दो ग्रहों के मिलनसार से शुभ योग का निर्माण होने वाले हैं। जय दोस्तों, और यश में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही खास मौके हैं और ऐसी मौके में आप गलती कर देते हैं तो दोस्तों इनसे आपके भाग्य में बाधा आएंगी और आपके सभी कार्य समय पर नहीं बन पाएंगे। जय दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में ग्रहों का पूर्ण विश्लेषण करके आप सभी के लिए वह सभी जानकारियां दी गई है कि यश में आपको कौन से क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्य चले होंगे, किन किन क्षेत्रों में अब कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही यश में जो ग्रहों के मिलनसार हैं, ग्रहों की जो चाल है, आपके घर के माहौल में, पार्योजन में क्या क्या सुधार, कौन से बड़े चमत्कार करने वाले हैं, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखिएगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करिएगा, तो मित्रों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यह समय नई उम्मीद और आशाओं के साथ दिन की शुरुआत होगी। दोस्तों किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने में इसमें आप सक्षम रहेंगे। घर में किसी धार्मिक आयोजन संबंधी योजना भी बन सकती है। दोस्तों आपके अंदर भरपूर आत्मविश्वास इसमें रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों दूसरों के मामले में अधिक हस्तक्षेप करने से बचे। यह समय किसी प्रकार का वाद विवाद या फिर लड़ाई झगड़ा होने के आसार भी बन रहे हैं। दोस्तों मामले को गुस्से के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होगी। आपको बता दें कि दोस्तों किसी महत्वपूर्ण विषय में आपको फिर से शून्य से शुरुआत करनी होगी। अपनी गलतियों का अवलोकन करें। दोस्तों आपके अंदर बढ़ते हुए रिजल्ट को खत्म करने की कोशिश आपकी यश में सफल रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों दूसरे के द्वारा मिल रही आलोचना को नजरअंदाज करना आपको यश में सीखना होगा। खास करके परिवार के किसी करीबी व्यक्ति द्वारा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में किसी नजदीकी संबंधी की मदद करने तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने में अधिकतर समय भी व्यतीत हो जाएगा। दोस्तों सामाजिक प्रतिष्ठा में भी यश में आपका जो है इजाफा होगा। किसी समारोह आदि में जाने का आपका अवसर भी मिल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में परंतु अपने कार्यों को भी प्राथमिकता दें, क्योंकि दोस्तों व्यस्तता के कारण आपके स्वयं के कार्यों में रुकावटें आएंगी। दोस्तों घर की व्यवस्था बनाए रखने में भी ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होगा। विद्यार्थियों की पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, तो दोस्तों विद्यार्थीगण इनको लेकर सावधान रहें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों आपके जीवन में आ रही स्थिरता आपको सकारात्मक बना रही है। दोस्तों मिली हुई स्थिरता को कायम रखने की कोशिश आपको यश में करनी चाहिए। पैसे संबंधित तकलीफ कम होने की वजह से जीवन के प्रति आपका नजरिया भी यश में बदल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि यश में अधिक से अधिक सकारात्मक रहकर वर्तमान की बातों का आनंद लें, ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें कि समय आप अपने आप को बहुत अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। किसी भी परिस्थिति में अपनी समस्याओं का हल ढूंढने में भी आप सक्षम रहेंगे। दोस्तों युवा वर्ग को अपनी पहली इनकम मिलने से बहुत ही अधिक खुशी की प्राप्ति होगी। दोस्तों यश में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व फिर पारिवारिक वातावरण को यश में और अधिक सुखमय बनाकर रखेगा। तो दोस्तों यश में आप क्या करें, बड़े बुजुर्गों का जो है प्यार आशीर्वाद और स्नेह पाने के लिए उनकी यश में सेवा सेवारत में ध्यान जरूर दें, ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में परंतु दूसरों के मामलों में ज़्यादा दखलंदाजी ना करें, इसलिए दोस्तों आपके ही मान सम्मान में कुछ आँच आ सकती है। दोस्तों ये जो समय है उनके आपके लिए अभी पैतृक संपत्ति संबंधी जो भी मामले हैं अटक सकते हैं, यश में धैर्य बनाकर रखना आपके लिए उचित रहेगा।
दोस्तों आप अपने लक्ष्य बड़े रखते हैं, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितनी मेहनत चाहिए उतनी आप अभी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से दो यश में खुद के प्रति नाराजगी भी बढ़ेगी और दूसरों के प्रति देखकर उनके मन में जलन भी पैदा हो सकती है। दोस्तों दूसरे के प्रति बढ़ रही नकारात्मकता को कम करने की आप कोशिश करें, ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि लंबे समय से चल रही किसी चिंता व फिर तनाव से आपको राहत मिलेगी। बीमा निवेश आदि से संबंधित जो भी आर्थिक गतिविधियों में है उनकी व्यवस्था इसमें बनी रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अपने जीवन से मौज मस्ती को कम करके आप अधिक वक्त अपने काम को पूरा करने के लिए लगा सकते हैं। दोस्तों काम में मिल रहा यश आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक समस्याएं भी कम हो रही है। दोस्तों कठिन परिस्थिति में भी आप डट कर खड़े रहेंगे, जिसकी वजह से परिवार के लोगों का भी आपके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण यश में बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में व्यवसाय के प्रतिस्पर्धा का असर आपके काम पर भी पड़ेगा। यश में कुछ लोग आपके लिए रुकावट उत्पन्न भी कर सकते हैं, परंतु दोस्तों किसी राजनीतिक व फिर प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा आपकी समस्याओं का इसमें समाधान भी होगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्य की अधिकता की वजह से ऑफिस का जो काम है घर पर ही निपटाना पड़ सकता है, या फिर घर पर ही आपको यश में काम को करना पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें कि आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों कार्य क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव भी यश में आएंगे। इस वक्त में आपके लिए जो समय होंगे आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह व फिर योगदान लेना आपके लिए आवश्यक होगा, क्योंकि दोस्तों कुछ प्रतिद्वंदी भी आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। बेहतर होगा कि किसी भी नई योजना को कार्य रूप यश में ना ही दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में आपके रुके हुए काम किसी अनुभवी व फिर वरिष्ठ इंसान की मदद से पूरे भी हो जाएंगे। परंतु दोस्तों यश में वृद्धियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें, बेहतर होगा कि किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप जो है अपने कार्यस्थल पर ना होने दें, ये आपके व्यवसाय के लिए समय बेहतर होने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि बिजनेस बढ़ाने से जुड़ी जो भी आपने योजनाएँ बनाई है उन्हें फलीभूत करने का उचित समय आ गया है। दोस्तों यश में कार्य क्षेत्र में लिया गया कोई भी फैसला आपके लिए उचित साबित हो सकता है, लेकिन दोस्तों यश में लॉटरी या फिर स्ट्रेस जैसे कामों में पैसा ना लगाएं, ये आपके व्यवसाय के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। युवा वर्ग प्रेम प्रसंगों में पढ़कर अपने अध्ययन व फिर करियर के साथ कोई भी समझौता ना करें, ये आपके लव लाइफ के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी लव लाइफ के लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि जीवन साथी का सहयोग आपको तनाव मुक्त रखेगा तथा आपसी संबंध भी यश में मधुर रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों जीवन साथी की सलाह आपके लिए यश में भाग्योदयदायक रहेगी। दोस्तों किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात आपको तनाव मुक्त यश में करने वाला है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पति पत्नी के संबंध यश में मधुर रहेंगे। प्रेम प्रसंगों को परिवारजनों की विवाह संबंधी स्वीकृति मिलने से भी समय उत्तम होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आप अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पूरी तरह यश में गंभीर रहने वाले हैं, जिनकी वजह से आपका यश में स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों खान पान के प्रति लापरवाही ना रखें, दूषित खान पान की वजह से आपको पेट संबंधी दिक्कत भी रह सकती है, तो दोस्तों इन सब चीज़ों का यश में आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। दोस्तों अत्यधिक मेहनत व फिर भाग दौड़ की वजह से ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या भी उठ सकती है। दोस्तों लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और अपना जो है उचित जाँच यश में अवश्य कराएं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में गिरने या फिर वाहन द्वारा कोई चोट लगने की स्थिति भी बन रही है, सावधानी बरतें तथा वाहन का उपयोग ना ही करें तो आपके यश में उचित रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि झाड़ू की दो शार्प सिक्कों को उल्टा सीधा रखकर नीले धागे से बांधकर घर के दक्षिण पश्चिम में रखने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। तो दोस्तों यश में इन उपायों को जरूर करें और दो जमुनिया रत्न लेकर गंगा जल में डुबा दें। हर शनिवार को इस गंगा जल का पूरा घर में छिड़काव करें। दोस्तों इनसे भी पति पत्नी के बीच आपसी जो प्रेम संबंध है सदैव मधुर रहते हैं।
तो दोस्तों यशमी इन उपायों को करें, प्रेम संबंध से बहुत ही अच्छे रहेंगे। और शादी दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।